छत्तीसगढ़ शासन ने गृह मंत्री एवं दुर्ग ग्रामीण के विधायक ताम्रध्वज साहू की पहल से पूरे रिसाली निगम क्षेत्र में विकास कार्य प्रगति पर है। इसी के तहत वार्ड 30 और 31 के बीच लगभग 20 लाख रुपए की लागत से सड़क सीमेंटीकरण कार्य आरंभ है। वार्ड 30 इस्पात नगर में पार्षद और MIC मेंबर अनुप डे ने बताया कि क्षेत्र में सड़क की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने संज्ञान में लेते हुए कार्य को आरंभ कराया। MIC सदस्य अनुप डे ने ग्रैंड एशिया न्यूज से विभिन्न विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। आइए देखते हैं चर्चा के खास अंश। हम इस वक्त मौजूद है नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड 30 इस्पात नगर से लगे एक गांव में। रिसाली बस्ती का यह गांव है। इस वार्ड में अभी सीमेंटीकरण लगभग 20 लाख रुपए की लागत से सड़क सीमेंटीकरण का कार्य किया जा रहा है। यह मांग है स्थानीय लोगों द्वारा वर्षों से बहुप्रतीक्षित मांग की, जो अब जाकर क्षेत्रीय विधायक ताम्रध्वज साहू के प्रयासों से पूरी होने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस्पात नगर रिसाली के पार्षद अनूप डे जी, जो पूर्व में एल्डरमैन भी रह चुके, नगर पालिक निगम रिसाली के एल्डरमैन रहने के कार्यकाल के दौरान भी इनके द्वारा लगातार सभी वार्डों में जाकर के बिना राजनीतिक भेदभाव के लगातार कार्य कराने का प्रयास किया जाता रहा, जिसमें काफ़ी सफल भी हुए। आइए हम जानते हैं अनूप डे जी से चर्चा करते हैं किस तरह का कार्य किया जा रहा, आगे किस तरह की योजना है। अनूप डे जी बताएंगे, रिसाली से लगे आपके वार्ड से लगे इस गाँव में सड़क सीमेंटीकरण का कार्य किया जा रहा है, तो काफ़ी बहुत प्रतीक्षित काम की क्या करें। नमस्कार, मैं सबसे पहले ये कह इसके लिए मैं बधाई के पात्र हमारे मंत्री जी दामोदर साहू, हमारे बाबू जी, जिन्होंने हमेशा मांग को पूरा किया। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हमारे विकास पुरुष है, इनके नज़र पे जब भी हम लोगों ने कोई भी इस मांग को लेके गया पूरा किया, और इनका ये 20-25 साल से समस्या ही लगी हुई थी। और इसके अलावा भी ये हमारा बॉर्डर है, ये 30 और 31 में हमारे साइलेंट साहू जी है, और ये 30 हमारा मेरा इस्पात नगर मेरा है, तो ये दोनों वार्डों को बीच का बॉर्डर का रोड है, तो इसको बनाना बहुत ही ज़रूरी था। इसमें हम लोग को भेदभाव नहीं किए, लोगों के अंदर ये भेदभाव की भावना आ गई है, लेकिन हमने देखा है कि मंत्री जी पूरे प्रदेश में इनका इतना अच्छा काम है, इतना अच्छा उनका रेपुटेशन है, हर जगह काम हो रहा है। कुछ लोगों ने गलत अफवाह फैला के जो ये कि मंत्री जी काम नहीं करते या गड्ढा, देखिए पहले भी 2 साल कार्यकाल था, कोरोना के कार्य में वो काम हो नहीं सकता था, उसके बाद हमारे पास टाइम बहुत कम मिला, हम लोगों को 1-1.5 साल का ही टाइम मिला, और 1-1.5 साल में कम से कम उन लोगों ने विकास का पूरा जाल बिछा दिया हर तरफ। और हमारे मंत्री जी इसमें बहुत बड़े सहयोगी है उनके लिए, और हमारे CM साहब, हमारे प्रदेश के मुखिया, उनको भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये जब भी कोई मांग रखा गया उनको पूरा किया, आज तक किसी ने ये सब चीज़ नहीं किया। चूँकि रिसाली नगर निगम में देखा जाए तो चारों तरफ का विकास कार्य जारी, सड़क नाली से लेकर के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के, तो अभी आपको क्या लगता है कि किस तरह की यहाँ पे कमी है, जो लोगों की कुछ ऐसी मांगे भी जो अब तक पूरी नहीं हो सकी, उसके लिए भी आप लोगों द्वारा हालांकि लगातार मंत्री जी के प्रयासों से प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे अभी सड़क अन्य समस्याओं को? जैसे अभी बड़ी समस्या या कुछ नहीं रही रिसाली में, बड़ी समस्या के लगभग ये है कि अब हमारा जो भी रिसाली के पटरी के इस पार हमारा पूरा शहर बसा हुआ था, पटरी के उस पार का थोड़ी बहुत समस्या है, जो अब अभी नए घर बन रहे हैं, नए समस्याएं उनकी रोड रास्ते नाले की हैं, वो भी समस्याएं आने वाले टाइम पे कुछ दिनों में वो भी सॉल्व हो जाएगी। चुनाव के पहले मंत्री जी का ये कहना है कि हम लगभग बहुत सारे काम को कर चुके होंगे, और उनका ये नहीं है कि चुनाव है तो हम काम करें, चुनाव नहीं भी है तो वो काम कर रहे थे, वो कभी भी इस चीज़ को हम लोगों को नहीं बोले या जताने की कोशिश की कि हम चुनाव के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उन्होंने तो निस्वार्थ काम किया है, ये उनको बहुत ही उनके सराहनीय काम है कि वो कभी आज तक इस चीज़ की चर्चा ही हम लोगों से कभी नहीं किए, उन्होंने बोला जिनकी भी कोई समस्या हो उनको आप पूरा कीजिए, आपने आया है सिर्फ काम करने के लिए, और हम लोगों को एक सख्त आदेश है कि तुम पार्षद हो, MSC हो, तो तुम पार्षद हो, पार्षद बन के रहो, ना कुछ गलत चीज़ों में जाओगे, ना ठेकेदारी करोगे, ना कुछ करोगे, सीधा पार्षद करके लोगों की सेवा करो, जैसे उनका का सोच है वो बहुत ही बड़ा अच्छा सोच है उनकी। अनूप जी, दूसरा सवाल है आपसे ये है कि क्योंकि रिसाली नगर निगम क्षेत्र में अनेक स्थानों में अवैध रूप से जो छोटे मोटे ठेला खुलचे वाले व्यवसायी हैं, सक्रिय सड़क से लग कर के उनके द्वारा व्यवसाय किया जाता है, तो उनको मतलब कुछ स्थायी जगह जहाँ पे पार्किंग की भी समस्या ना हो, प्लस लोगों के काम भी हो सके, उनका भी व्यवसाय चल सके, तो ऐसी कोई भविष्य में ऐसी कोई योजना जिसे फल ठेलों व्यवसायों का व्यवस्थापन किया जाता है?
अभी हाल में अभी हमारे कमिश्नर साहब ने और मंत्री जी का आदेश था कि जितने भी गुमटी और ये है उनको व्यवस्थित रूप से सबको बसाया जाए, अच्छे से बसाया जाए, जहाँ अच्छे से प्योर ब्लॉक लगा के उनकी गुमटी का अच्छा नंबर दे के अलाट करवा दिया है। देखने में भी सुंदर लगे, लोगों को लगे ना कि स्मार्ट नगर के हिसाब से, जैसा हमारा रिसाली नगर निगम एक स्मार्ट नगर के रूप में देखे, तो वो अभी हम लोग व्यवस्थित करने जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल जल्दी ही उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। ये थे हमारे साथ इस्पात नगर वार्ड 30 के पासा था अनूप डेरी, जिन्होंने हमारे हमें पूरी तरह से रिसाली नगर निगम में क्षेत्र में चल रहे तमाम कार्यों से अवगत कराया। हमारे द्वारा भी यह देखा गया, क्योंकि पूरे नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य लगातार जारी है, इसमें मंत्री दामोदर साहू जी द्वारा लगातार लोगों की समस्याओं के समाधान का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को गुमटी उपलब्ध कराने व्यवस्थापन को लेकर के लगातार प्रयास किया जाएगा, ऐसे अनूप डेरी का कहना है। निश्चित ही इससे स्थानीय बेरोजगार युवा प्लस दूसरे छोटे व्यवसायों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ अभिषेक के साथ संजय दुबे।